अमेरिका को रूस और चीन की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। यही कारण है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक वर्चुअल बैठक के बाद अमेरिका ने चीन को खूब सुनाया। अब इस पर ड्रैगन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाली है। बीजिंग ने सख्त लहजे में कहा है कि अमेरिका हमें ये ज्ञान ना दे कि रूस के साथ रिश्तों को कैसे रखना है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की गठबंधन नीतियों की तुलना में चीनी रूस संबंध किसी भी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है। हमारे रिश्ते नॉन कॉलिशन, नॉन कन्फ्लिक्ट और गैर लक्ष्यीकरण पर आधारित है। ये दोनों पक्षों के हितों के अनुरूप है और वैश्विक चुनौतियों को दूर करने में मदद करने वाला है। चीन ने अमेरिका पर अपने दुश्मनों को टारगेट बनाने वाले गठबंधन को तैयार करने का भी आरोप लगाया। चीन ने कहा है कि बीजिंग और मॉस्को के बीच मजबूत रिश्ते दुनिया को मल्टीपोलैरिटी की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यूनिलैटरलिज्म में जाने से रोक सकते हैं। अमेरिका को चिंता है कि चीन और रूस के बीच गहरे होते संबंधों से उन्हें वर्ल्ड लीडरशिप और आधिपत्य पर असर पड़ेगा। ये सहयोग दोनों देशों के खिलाफ उसके प्रभाव को प्रभावित करेगा। दरअसल अमेरिका को चिंता है कि चीन और रूस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सेक्टर में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद मिल रही है। इसी को लेकर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को कमजोर करने में रूस की मदद न करे। अमेरिका ने इसे लेकर चीन को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। चीन ने रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में कई समझौतों पर साइन किए हैं। कुछ एग्रीमेंट तो यूक्रेन पर हमले के चंद दिनों पहले ही साइन किए गए थे। इसमें चीन और रूस के बीच तेल पाइपलाइन की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सस्ती दरों पर लंबे वक्त तक तेल और गैस की सप्लाई भी शामिल है। इसके अलावा अनाजों को एक्सपोर्ट को लेकर भी दोनों देशों में डील हुई थी। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि जो लोग इस अन्यायपूर्ण युद्ध में मॉस्को के साथ हैं, वे अनिवार्य रूप से खुद को इतिहास के गलत पक्ष में पाएंगे। विदेश विभाग ने कहा कि बीजिंग तटस्थ होने का दावा करता है, लेकिन उसका व्यवहार साफ करता है कि वो अभी भी रूस के साथ गहरे संबंधों में निवेश कर रहा है।